अब हमने कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला निकाला, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे ये फॉर्मूले यूज करने की बजाय आप डायरेक्ट मेथड से आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो जैसे कुछ केसेस में सपोज हमारे पास दो सीरीज है, सीरीज वन और सीरीज टू। अब पहले सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स एन वन है, दूसरे में एन टू है। पहले सीरीज का मीन है सपोज एक्स और दूसरे सीरीज का मीन है सपोज वाई, और पहले सीरीज का वेरिएंस है सिग्मा एक्स स्क्वायर और दूसरे सीरीज का वेरिएंस है सिग्मा वाई स्क्वायर। अब हमको इनका कंबाइंड वेरिएंस लिखना है। अब यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं समेशन ओवर ऑल आई एक्स आई डिवाइड बाय एन वन, ये है आपका एक्स बार। तो यहां से हम लिखेंगे समेशन ओवर ऑल आई एक्स आई, ये है आपका एन वन एक्स बार। इसी तरीके से समेशन ओवर ऑल जे वाई जे अपॉन एन टू इट इज वाई बार, तो समेशन ओवर ऑल जे वाई जे ये हो जाएगा आपका एन टू वाई बार। अब यहां पे हम इसका कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। सपोज का जो कंबाइंड मीन है वो हो जाएगा आपका एन वन एक्स बार प्लस एन टू वाई बार अपॉन एन वन प्लस एन टू। तो ये तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब वेरिएंस के फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ये है समेशन ओवर ऑल आई एक्स आई स्क्वायर बाय एन वन माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसी तरीके से सिग्मा वाई स्क्वायर है सिग्मा ओवर ऑल जे वाई जे स्क्वायर अपॉन एन टू माइनस वाई बार स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया एन वन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर और सिग्मा वाई जे स्क्वायर, ये हो गया आपका एन टू इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर है। अब यहां से हम कंबाइंड वेरिएंस निकालना चाहते हैं, तो इसका जो कंबाइंड वेरिएंस होगा ये होगा आपका समेशन ओवर ऑल आई एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन ओवर ऑल जे वाई जे स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू माइनस, और ये हो जाएगा आपका समेशन एक्स आई प्लस समेशन वाई जे अपॉन एन वन प्लस एन टू होल स्क्वायर। अब यहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एन वन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर प्लस एन टू सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू, और यहां पे सिग्मा एक्स हो गया एन वन एक्स बार प्लस ये हो गया आपका एन टू वाई बार अपॉन एन वन प्लस एन टू होल स्क्वायर। कई सारे क्वेश्चंस में हमको डायरेक्ट फॉर्मूला न लिख के हम ये फॉर्म लिखेंगे, तो ये फॉर्म से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें ज्यादा आसानी रहेगी। तो एक तो तरीका आपका फॉर्मूला यूज करना, और दूसरा कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना। तो दो तरीके हैं हमें कंबाइंड वेरिएंस के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। अब ये क्वेश्चन में हमको ये कहते हैं दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। पहले सेट में नंबर ऑफ टर्म्स है 10, मीन है 2, वेरिएंस है 2, और सेकंड सेट में नंबर्स है एन, मीन है 3 और वेरिएंस है 1। अभी कहते हैं इफ द वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सेट ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशंस इज 17/9 देन द वैल्यू ऑफ एन इज। अभी काम करते हैं, मान लेते हैं कि पहले सेट में हमारे पास 10 नंबर्स हैं एक्स वन एक्स टू से लेके एक्स टेन तक, और ये सेट में नंबर्स हमारे पास
वाई वन वाई टू से लेके वाई एन तक। अब यहां से सिग्मा एक्स आई अगर निकालना है तो सिग्मा एक्स आई बाई टेन ये है टू के बराबर, तो यहां से हमारे पास आ गया कि हमारा सिग्मा एक्स आई ये है ट्वेंटी। इसी तरीके से सिग्मा वाई आई बाई एन ये है थ्री के बराबर, तो यहां से हम लिखेंगे कि हमारा जो सिग्मा वाई आई है ये है आपका थ्री एन। तो सिग्मा एक्स आई आ गया और सिग्मा वाई आई आ गया। अब दोनों के वेरियंसेस भी दिए हैं तो उनके स्क्वायर्स का सम भी निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर हम पहला वाला लिखते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा वन स्क्वायर जो कि टू है, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई टेन माइनस मीन का स्क्वायर, तो ये है फोर। तो यहां से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आएगा आपका सिक्सटी और यहां पे सिग्मा स्क्वायर वन है तो ये सिग्मा टू स्क्वायर वन और ये हो जाएगा आपका समेशन वाई आई स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, तो ये हो गया नाइन। तो ये टेन है तो यहां पे सिग्मा वाई आई स्क्वायर ये हो गया आपका टेन एन। तो यहां पे सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया, सिग्मा एक्स आ गया और सिग्मा वाई आ गया। अब एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई आई स्क्वायर और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टेन प्लस है माइनस फिर इनका कंबाइंड मीन सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा वाई आई अपॉन टेन प्लस एन होल स्क्वायर। और क्वेश्चन ने दिया है कि ये जो कंबाइंड वेरियंस है ये है 17/9। तो अब यहां पे इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना 60, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना 10n एन अपॉन टेन प्लस एन माइनस सिग्मा एक्स 20, सिग्मा वाई 3n अपॉन 10 प्लस एन होल स्क्वायर और ये बराबर है 17/9 के। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 60 प्लस 10 एन इंटू 10 प्लस एन माइनस 9 इंटू 20 प्लस 3 एन होल स्क्वायर और ये बराबर होगा 17 इंटू 10 प्लस एन होल स्क्वायर के। तो अगर ये कैलकुलेशन आप खुद सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपको जो रिजल्ट मिलेगा ये मिलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा 2n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 25 इक्वल जीरो, तो ये होगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5n माइनस 25 इक्वल जीरो। तो यहां से n का एक ही नेचुरल नंबर वैल्यू आएगा और वो आएगा आपका n इक्वल्स 5। तो उसने पूछा है n का वैल्यू निकालो, तो यहां से जो n का वैल्यू आता है वो आता है आपका 5 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये क्वेश्चन में ये कहता है कंसिडर सेट ऑफ 3n नंबर्स हैविंग वेरियंस 4। अब इस सेट में पहले 2n नंबर्स का मीन 6 है और मीन ऑफ रिमेनिंग n नंबर्स इज 3। तो हमारे पास दो सेट है, पहले सेट में सपोज 2n नंबर्स हैं x1 x2 से लेके x2n तक। अब ये नंबर्स का जो मीन है वो 6 है और जो रिमेनिंग n नंबर्स हैं वो सपोज y1 y2 से लेके yn है और इनका जो मीन है वो है 3। और ये जो पूरा सेट है इसका वेरियंस है 4। अभी कहता है एक नया सेट बनाया बाय एडिंग 1 इंटू ईच ऑफ फर्स्ट 2n नंबर्स एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच ऑफ रिमेनिंग n नंबर्स। तो एक नया सेट बनाया जिसमें पहले में हमने 1 ऐड कर दिया और दूसरे में हमने सब में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये कहता है कि ये जो नया सेट है इसका वेरियंस अगर k है तो 9k का वैल्यू निकालो। अब यहां से अगर हम देखें तो ये समेशन एक्स आई आई वेरीज फ्रॉम 1 टू 2n अपॉन 2n ये बराबर है 6k, यानी इसका मतलब समेशन ओवर ऑल एक्स आई ये है 12n। और इसी तरीके से अगर y के लिए लिखते हैं समेशन ओवर ऑल वाई जे वेयर j वेरीज फ्रॉम 1 टू n डिवाइड बाय n यह है 3k, तो यहां से समेशन yj ये है आपका 3n, तो ये हो गया हमारा
पहला रिजल्ट। अगर ये दोनों सेट का कंबाइंड मीन निकालते हैं तो इनका जो कंबाइंड मीन हो जाएगा वो हो जाएगा समेशन एक्स आई प्लस समेशन वाई जे, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, ये है आपका 3n। तो समेशन एक्स आई कितना, 12n प्लस 3n, तो ये 15n अपॉन 3n। तो इनका जो कंबाइंड मीन है वो है 5। तो अब अगर इसका वेरियंस लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं इनके स्क्वायर्स का सम, और इनके स्क्वायर्स का सम क्या है, समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन वाई जे स्क्वायर अपॉन 3n माइनस इनके मीन का स्क्वायर 5 स्क्वायर, और ये बराबर दिया है आपको 4 के। तो यहां से हमारे पास आ गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई जे स्क्वायर, और ये है 29 into 3 87 n k, और ये है हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब ये जो नया सीरीज हमारे पास है इसके लिए हमको इसका वेरिएंस निकालना है, तो सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए हम लिखेंगे इसका जो मीन है, सपोज एक्स डैश बार, ये हो जाएगा सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 2n एक्स आई प्लस 1 प्लस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n y i माइनस 1 होल डिवाइड बाय 3n। अब सिग्मा एक्स आई कितना, 12n। अब ये सिग्मा प्लस 1 यू गेट 2n, सिग्मा y i 3n माइनस सिग्मा 1 सिग्मा माइनस 1 यू गेट माइनस n डिवाइड बाय 3n, तो ये हो जाएगा आपका 16/3। तो ये जो नया सीरीज है इसका मीन है 16/3। अब ये नए सीरीज के लिए वेरिएंस लिखते हैं, तो ये जो नया सीरीज का वेरिएंस आएगा सिग्मा डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा समेशन एक्स आई प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस समेशन वाई जे माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3n, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 2n एंड जे वेरीज फ्रॉम 1 to n माइनस इसके मीन का स्क्वायर जो कि 16/3 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिग्मा वाई जे स्क्वायर। अब यहां पे सिग्मा 1 2n टर्म्स हैं, तो ये 2n आएगा प्लस 2 टाइम्स समेशन एक्स आई, और यहां पे समेशन 1 n टर्म्स हैं, रहेगा n और माइनस 2 टाइम्स समेशन वाई जे होल डिवाइड बाय 3n माइनस 16/3 होल स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर, ये है 87n, तो इसको हम लिख सकते हैं ये है 87n प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 2 टाइम्स सिग्मा एक्स आई माइनस सिग्मा वाई आई। अब सिग्मा एक्स आई था 12n और सिग्मा वाई आई था 3n, तो ये हो जाएगा आपका 9n होल डिवाइड बाय 3n माइनस 16/3 होल स्क्वायर। तो ये 90 108, तो ये हो गया 108/3 माइनस 16/3 होल स्क्वायर, तो ये है 36। तो आपका जो सिग्मा डैश स्क्वायर है ये 36 माइनस 256/9 जो कि हो जाएगा 68/9। अब क्वेश्चन में दिया ये वेरिएंस के है और उसने पूछा 9k का वैल्यू, तो जो 9k का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 68। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है हमको निकालना है वैल्यू ऑफ 9k, और वैल्यू ऑफ 9k इज 68, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन।